तो ये टॉपिक्स अभी ऑन रहेंगे, ऑफ नहीं किया है कि इनके क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सर। बहुत ही सिंपल सा ही टॉपिक है, आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P into R into T upon 100। ये मेरे पास है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे P क्या होता है जी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, जो अमाउंट आपने बोरो किया है, उधार लिया है। तो हमारे पास जो बोरो अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो गया। जिस रेट पे आपने उधार लिया है वो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और टाइम, जितने टाइम के आप लिए आपने लिया है वो आपका टाइम हो गया। तो उस पे कितना इंटरेस्ट होगा, वो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और उस पे कितना इंटरेस्ट होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं आपने 2000 रुपए लिए हैं और 10% पर एनम पे लिए, पर ईयरली कह लीजिए या पर एनम कह लीजिए, और आपने 2 इयर्स के लिए लिए, 2 इयर्स के लिए, तो आपसे पूछ रहा है कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है सर। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20% हो जाएगा। तो सीधा सीधा 20% ऑफ 2000 निकाल दीजिए, तब भी आंसर वही आना है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, रेट, टाइम अपॉन 100। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4, तो आपके पास कितना आ गया, ये तो 400 आपका इंटरेस्ट होगा। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे पास होता है। तो अगर आप बताएंगे कि कितना अमाउंट पे करना है, तो 2000 बोरो आपने किया था, लिया था उधार, 400 रुपए और देने, तो यू हैव टू पे 2400, ये हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगा 2400। अब इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपके पास रेट है और जो टाइम है वो हमारा यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट यूनिट मस्ट बी सेम। जर्शा आपको मेरी आवाज आ रही है? जर्शा एम आई ऑडिबल बेटे? जर्शा आपको आवाज आ रही है? हाँ भाई, यूनिट मस्ट बी सेम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिंस रेट का और टाइम का क्या मतलब है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर हमारे पास प्रिंसिपल हो जाए, प्रिंसिपल आपके पास हो जाए 2000 और आपके पास रेट हो जाए, जर्शा मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी मैं आपको रिमूव कर दूंगा मीटिंग से अगर आप नहीं सुन रहे हैं मुझे। जर्शा शाबाश तुम्हें आवाज आ रही है, जर्शा को कॉल करो और पूछो इनसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ भाई प्रिंसिपल अगर 2000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कह दूं 10% ही है पर एनम, लेकिन आपसे क्या कह रहा है टाइम जो है वो 6 मंथ है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेट दिया है एनम में और टाइम दिया है मंथ में। ठीक है सर, तो अब आप सिंपल इंटरेस्ट जब निकालोगे तो दोनों चीजों को सेम करो। तो यहां पे आप 6 मंथ को ईयर में करोगे कैसे करोगे भाई? तो 6/12 करेंगे। टाइम को 6/12 या 0.5। ठीक है, तो 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ईयर हो जाएगा, तो 1/2 ईयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ईयरली है, फिर ये हमारे पास ईयरली, अब हम निकाल पाएंगे ध्यान रखना। तो आपके पास आएगा प्रिंसिपल 2000, रेट 1/10%, टाइम 1/2 अपॉन 100। अब आप सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर आए। 100 रुपीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बस, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो आपको मैंने कुछ करने के लिए कहा था, ये करने के लिए थोड़ा ही कहा था। आप यहाँ से हटो भैया का एग्जाम, यहाँ से हटो, चलो वहां बैठ के पढ़ो आप, मदर मान शुरू करो अपनी राइटिंग। जी बेटे ये बताओ जरा क्वेश्चन। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, इस बार हमें प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, लेकिन टाइम 6 मंथ है, तो अगेन सेम चीज है, बताओ। सर ऑप्शन 2 7500। जी हेलो हेलो जी मुझे आ रही। मैं कह रहा हूँ ये जर्शा कौन है बच्ची बैच में, इन्होंने भी ज्वाइन कराया परसों, उनसे पूछो जो बेटे रिप्लाई क्यों नहीं करते जब सर आवाज देते हैं और बोलती रहती है बीच में, कुछ प्रॉब्लम है नेट में या किसी उसमें तो मुझे बताओ। मैसेज कर रहा हूँ तो उस पर रिप्लाई नहीं कर रही है, एक बार कॉल करो जरा नंबर पर।
जी कॉल किया था सर आपने, क्या कर रहे थे जब आपको कॉल किया था? तो अबे नहीं पता चला, इन्हें फोन को तोड़ दो ना भाई, क्लास के बीच में से तुम्हें फोन करता हूँ तो 10 बार थोड़ा ही कॉल करूंगा या 10 मिनट तुम्हारा इंतजार थोड़ा ही करूंगा, फेंक दो उठा के फोनों को अगर पता नहीं चलता तो। भाई अगर आपको नहीं मालूम होता है तो एक घंटा तो नहीं बैठूंगा ना क्लास के बीच में से अगर कॉल कर रहा हूँ तो। आपको कभी मिस कॉल की रिंग नहीं आती है, आपको कॉल नहीं पता चलता है, बैल नहीं आती, अब इसका मैं क्या इलाज करूं? फोन आप लोगों के पास है, जी भाई व्हाट सम ऑफ मनी? एक्चुअली बेटे हमारे पास जो है चार ही चीजें, प्रिंसिपल ठीक है, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, इन चार में से कोई से भी तीन देगा तो व्हाट सम ऑफ मनी प्रिंसिपल पता करना है, एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, टाइम 6 मंथ दिया हुआ है, अच्छा होता है ईयर में चेंज कर लो सीधा सीधा सा, 1/2 पर एनम, रेट दे दिया 4%, ये एनम में दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 150 इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो 150 विल बी प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट 4 है, टाइम 1/2 है अपॉन 100, बस इतनी सी बात थी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 ही हो जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, 15 से 750 हो जाएगा, 7500, तो आंसर कौन सा था 7500, यही आया था आपका आंसर? यस गुड, चलो चलो एक दो क्वेश्चन और देखो छोटे छोटे से। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें तीन चीजें नहीं दी हुई हैं, दो चीजें दी हुई हैं, तो दो चीजें अगर दी हुई हैं तो वो क्या होगा, ये हमारे पास है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर्स एंड टू ₹568 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या होगा, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर्स एंड टू ₹568 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, कोई बच्चा बताएगा? देखो ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फर्क आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है हर साल इंटरेस्ट सेम होना, अगर 2-3 साल का दिया हुआ है तो समझो वो ऐड हो रहा है तो हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है, ये ध्यान रखना। अब अगर आपसे कह रहा है कि हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, सब बच्चे ध्यान से देख लो, प्रिंसिपल तो पता नहीं है ठीक है, लेकिन 5 साल में इन 5 ईयर्स ये हो गया 520 और 7 साल में ये हो गया 568, तो आप जरा मुझे बता सकते हो 2 साल में कितना फर्क पड़ा? 48 रुपीस का। वेरी गुड, 48 रुपीस का 2 ईयर्स में पड़ा, तो मुझे बता सकते हो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 24 बस, तो फिर इसे समझ में नहीं आ रहा था जब से। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 24 ठीक है जी, और टाइम में मान लू 1 ईयर ठीक है, टाइम हमारा कितना हो गया 1 ईयर, अभी हमारे पास रेट भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा अब हमारे पास चलो रेट कैसे निकालें, और अच्छा हमसे क्या कह रहा था व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट, तो हमें तो सिर्फ रेट भी हम निकाल सकते हैं, हमें तो सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है। अब अगर मुझे आप बताओ कि 1 साल का 24 है तो 5 साल का कितना हो जाएगा भाई? 120 है बेटे,
24 into 5 120। तो अगर 520 में से 120 माइनस कर दूं तो कितना बचा? 400। तो ये तो है हमारा प्रिंसिपल, पहली चीज। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम रेट निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 400। अब अगर प्रिंसिपल मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है, तो रेट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? है ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ऐसे करके। तो 100 से कितना 4 और 4 से कितना 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? समझ में आया क्या कुछ थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है और देखो और फिर तीनों एक्सरसाइज करो बैठ के। ये क्वेश्चन आता है आपसे, चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, इसी पे बेस्ड है जो भी पढ़ा, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। बहुत सेकंड में इस पे आंसर आना चाहिए, बताइए। अरे सर, 625 ऑप्शन 3। गुड, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 850 इन 3 इयर्स, यहीं पे यहीं सॉल्व करेंगे, एंड 4 इयर्स में 925। तो यहाँ 4 इयर्स है या 3 इयर्स है, तो सीधा सीधा 1 साल का गैप है। तो 1 साल में अमाउंट में कितना गैप है, यहाँ 850 है या 925 है? तो 75 रुपीज का, ठीक है भाई। तो अगर 75 का है तो वही देखो, रेट हमसे सम निकलवा रहा है, तो हमारे पास जाए तो 4 महीने का निकाल दो, चाहे 3 महीने का। 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 75 के हिसाब से? 300। हाँ भाई, अगर 75 एक साल का है तो 4 साल का कितना हो गया? 300। तो 925 में से 300 माइनस करना, कितना बचा? 625। तो 625 हमारा प्रिंसिपल है। 625 प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 625 आ गया। चलो बताओ एक क्वेश्चन और, बताइए एक क्वेश्चन और बताइए। आपसे कह रहा है, इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 12 इयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, इफ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 12 इयर्स। तो अगर मैं प्रिंसिपल को ध्यान से देख लीजिए, पी ले लूं, तो अमाउंट मेरा डबल हो गया, 2p हो गया। अगर अमाउंट डबल हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा पी हो गया, यस और नो ये बताओ सारे बच्चे। डबल होने का क्या मतलब है? जितना हमारे पास था उसका डबल, है ना। तो हमारे पास अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट 2p है, तो सिंपल इंटरेस्ट पी हो जाएगा। आपसे कह रहा कितने कितने टाइम में हुआ है? 12 इयर्स में हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो सारी चीजें पता है, सिंपल इंटरेस्ट पी है, प्रिंसिपल पी है, रेट पता नहीं है, टाइम 12 है अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, पी से पी कैंसिल, तो आर हमारा सीधा सीधा सा 100/12 आ जाएगा। भाई समझ में आई बात, नहीं आई? जिससे सॉल्व करना चाहो कर दो। 4 से ये 25 होगा और 4 से ये 3 होगा, 25/3%, 81/3% होता है। ठीक है जी, तो कोशिश कर लीजिए। तीनों टॉपिक कंटिन्यू हैं, तीनों के तीनों टॉपिक आप जरा कर लीजिए अभी। तो दो दो चार चार क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल भी अगर आपकी क्लास ले सकें, लेकिन तीनों से टॉपिक से बेटे चार चार पांच पांच क्वेश्चन भी निकाल लोगे, और अगर आपके पास एक दो पेपर हैं किसी से भी तो उनके भी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ चलो एग्जाम्स की तैयारी मेरी हो गई। तो आपके पास परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, 4 टॉपिक ऑलमोस्ट हुए हैं आपके। तो चारों पे चार चार क्वेश्चन भी करोगे तो 16 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं आपको, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी या इसके बाद
आपकी इंशाल्लाह इंग्लिश की या रीजनिंग की क्लास होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।